हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, रिसेंटली रियलमी की तरफ से रियलमी 3 प्रो डिवाइस के लिए C.05 अप्रैल का न्यू अपडेट रोल आउट कर दिया गया है और इस अपडेट का साइज़ है 341 MB। एंड यहां पर आप देख सकते हैं, हमने इस अपडेट को अपने डिवाइस में सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। अपडेट का वर्जन आप देख सकते हैं, C.05 आपको मिलता है। एंड इस अपडेट के साथ आपको डिवाइस में कुछ न्यू इंटरेस्टिंग कमाल के फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में C.05 अपडेट के टॉप न्यू फीचर्स एंड चेंजेस के बारे में बात करेंगे एंड कौन कौन से बग्स को यहाँ पर फाइनली फिक्स किया गया है, चार्जिंग एनिमेशन इस अपडेट में मिली है या फिर नहीं। तो जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए। और गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि रियलमी 3 प्रो में कोई भी अपडेट आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो गाइस, अगर बात करी जाए रियलमी 3 प्रो के इस न्यू अपडेट के टॉप न्यू फीचर्स के बारे में, तो सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स में, अबाउट फोन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला चेंज आपको मिल जाता है एंड्रॉइड सेफ्टी पैच लेवल में। तो इस अपडेट के साथ आपको 5 अप्रैल 2020 का लेटेस्ट सेफ्टी पैच लेवल मिल जाता है, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। एंड रियलमी की तरफ से रेगुलर अपडेट्स में लेटेस्ट सेफ्टी पैच लेवल आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इससे डिवाइस की सिक्योरिटी थोड़ी और इंक्रीज हो जाती है। एंड गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट चेंज आपको मिल जाता है बिल्ड नंबर में। तो बिल्ड नंबर आप देख सकते हैं RMX 1851_11_C.05। तो पहले C.04 था, अभी C.05 का बिल्ड नंबर आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइस नेम है रियलमी 3 प्रो। दोस्तों, नेक्स्ट चेंज आपको मिल जाता है इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद, डॉक वोल्ट एप्लीकेशन आपकी ऐड कर दी गई है। तो इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद ये न्यू एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। तो कैसे आपको इसे यूज़ करना है, तो दोस्तों यहाँ पर आपने जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, फोटोज़ है, IDs है, उनको आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, कभी कभार क्या होता है, जब आप घर से बाहर जाते हैं तो कई बार अपनी पर्सनल ID डॉक्यूमेंट्स आप घर पर ही भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ऐड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम योर फ़ोन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक अपना अकाउंट बना लेना है। यहाँ पर पासवर्ड डाल के आप अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर कोई भी दूसरी डिटेल्स को शेयर कर सकते हैं। और ये यहाँ पर रियलमी की खुद की ऑफिशियल एप्लीकेशन है, तो कोई भी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कोई भी इशू आपको नहीं आने वाला है। एंड जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट्स को देखना है तो गेट माई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है, उसी के बाद आप यहाँ पर उनको देख सकते हैं एंड जब ज़रूरत पड़े उनका यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट चेंज आपको ऊपर नोटिफिकेशन सेंटर में ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर आपको एक नया टॉगल ऐड देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं ब्लैक स्क्रीन मोड। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ब्लैक स्क्रीन यहाँ पर ऑन हो जाएगी, आपको बस टाइम दिखेगा। दोस्तों, इसका फ़ायदा ये है, बैकग्राउंड में जो भी एप्लीकेशन होगी, जो भी आपने डाउनलोडिंग पर लगाया होगा, तो वो आपका यहाँ पर चालू रहेगा, तो वो आपका बंद नहीं होने वाला है। तो ब्लैक स्क्रीन मोड को आप अनेबल कर सकते हैं। इससे गाइस, आप डिवाइस को यूज़ करते हुए भी आपकी बैटरी थोड़ी कम ड्रेन होगी। एंड स्वाइप अप करके यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन मोड को आप यहां पर ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका ये टॉगल ऐड नहीं है तो सिंपली आपको यहां पर एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड नीचे आपको ये टॉगल मिल जाएगा। सिंपली आपको क्लिक करके इसको ऊपर की तरफ यहां पर ड्रैग कर देना है। इसके बाद गाइज, आपका जो ब्लैक स्क्रीन मोड है वो डिवाइस में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और गाइस, अगर बात करी जाए न्यू चार्जिंग एनिमेशन के बारे में, तो रियलमी की तरफ से कुछ डिवाइसेज में न्यू चार्जिंग एनिमेशन प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Realme 3 Pro में चार्जर हमने कनेक्ट किया है एंड अभी तक यहाँ पर जो लेटेस्ट चार्जिंग एनिमेशन है वो आपको यहाँ पर नहीं मिली है, तो वही आपको पुराने वाली चार्जिंग एनिमेशन मिलती है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको नई वाली चार्जिंग एनिमेशन पसंद है या फिर पुराने वाली। और गाइस, जो न्यू चार्जिंग एनिमेशन होने वाली है कुछ ऐसी आपको मिलेगी, ये जस्ट एक स्क्रीनशॉट है जहाँ पर कि आपको डेसिमल के बाद भी परसेंटेज देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी चार्जिंग एनिमेशन पसंद है। और गाइस, इस अपडेट के साथ आपको फुल स्क्रीन गेस्चर में एक और नया चेंज देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन गेस्चर का यहाँ पर आपको एक ट्रांसपेरेंट वाइट बार देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साइड में गाइस आपको ये टू और यहाँ पर छोटी सी वाइट लाइन देखने को मिलती है। तो गाइस, ये यहाँ पर गूगल असिस्टेंट की यहाँ पर लाइंस है, तो अगर आप यहाँ पर स्वाइप करेंगे कॉर्नर से तो भी आप यहाँ पर एनिमेशन देख सकते हैं। जो आपका गूगल वॉइस असिस्टेंट है वो यहाँ पर आपका यूज़ आप कर सकते हैं। तो फुल स्क्रीन गेस्चर में आप इस फीचर को यूज़ कर पाएंगे, जो कि यार काफ़ी कमाल का फीचर है। तो दोस्तों, अगर आपको गूगल असिस्टेंट को यूज़ करना है तो आप लेफ़्ट या राइट साइड से कहीं से भी स्लाइड अप कर दीजिए, वो आपका यहाँ पर ऑन हो जाएगा। तो ये आपको शॉर्टकट गेस्चर मिल जाता है। गाइस, नेक्स्ट चेंज आपको मिल जाता है यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर। डार्क मोड का ऑप्शन आपको मिलता है, जो कि पहले भी आपको मिलता था, लेकिन गाइस अभी अगर आप डार्क मोड को अनेबल करते हैं
तो यहाँ पर गाइस अभी एक नया ऑप्शन ऐड हो चुका है जो कि अभी बीटा स्टेज पे, ये आप देख सकते हैं, डार्क मोड फॉर थर्ड पार्टी एप्स बीटा। तो दोस्तों ये ऑप्शन शायद से पहले आपको नहीं मिलता था, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं अभी आप मैनुअली यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस किस एप्लीकेशन में आपको इसे यूज़ करना है। एंट्रन ऑफ ऑल के लिए भी आप यहाँ पर सभी को एक साथ ऑफ भी कर सकते हैं, सभी एप्लीकेशन में एक साथ डार्क मोड को ऑन भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो अभी आप यहां पर देख सकते हैं बीटा मेंशन किया गया है, तो हो सकता है कि अभी ये सभी एप्लीकेशंस में प्रॉपरली काम ना करे। तो दोस्तों डार्क मोड के फीचर को आप यूज़ कर सकते हैं सभी एप्लीकेशंस में, डार्क मोड यहां पर परफेक्टली काम करता है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, डार्क मोड में आप कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएंगे। और गाइज यहाँ पर रियलमी की तरफ से एक और इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आई है, अभी इस अपडेट के साथ आपको डॉक वोल्ट एप्लीकेशन देखने को मिलती है, अभी यहाँ पर कलर ओएस 7 के अपडेट के साथ एक और नई एप्लीकेशन डिवाइसेस में ऐड कर दी गई है जो कि है सोल लूप एप्लीकेशन। तो सोल लूप एप्लीकेशन भी आपको जल्दी यहाँ पर रियलमी यूआई के अंदर भी देखने को मिलने वाली है, हो सकता है कि अगले या फिर उससे अगले अपडेट में देखने को मिल जाए। गाइस ये एप्लीकेशन आपकी यहाँ पर वीडियो एडिटिंग या फिर कोई भी पिक्चर आप यहाँ पर एडिट करते हैं उसमें यहाँ पर हेल्प करती है। जैसे गाइस एग्जाम्पल के लिए एक मैं यहाँ पर एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं काफ़ी सारे एडिटिंग के फीचर आपको मिलने वाले, जैसे कि ट्रिम आप यहाँ पर कर सकते हैं, फिल्टर आप यहाँ पर लगा सकते हैं, सबटाइटल, बैकग्राउंड म्यूजिक भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं वीडियोस में, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे यहाँ पर एडिटिंग के फीचर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो दोस्तों हो सकता है कि ये एप्लीकेशन आपको रियलमी की तरफ से अगले अपडेट में प्रोवाइड कर दी जाए। अगर आपको इस एप्लीकेशन को अभी इंस्टॉल करना है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ऐड कर लीजिए, वहाँ पर आपको लेटेस्ट नए वॉलपेपर्स एंड यहाँ पर जो भी रियलमी की तरफ से इन्फॉर्मेशन आती है वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। और दोस्तों यहाँ पर MIUI 12 का जो ये सुपर लाइव वॉलपेपर है, अर्थ का भी वॉलपेपर है यहाँ पर, मार्स का भी यहाँ पर वॉलपेपर है, प्लैनेट्स के वॉलपेपर आपको मिल जाते हैं, तो इसकी वीडियो मैं जल्दी यहाँ पर बनाने वाला हूँ। तो कैसे आपको इन्हें इंस्टॉल करना है तो वो वीडियो एक दो दिन में आ जाएगी, ऊपर आई बटन पे भी मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और गाइस अगर हम बात करें इस अपडेट के बाद एंटीटू बेंचमार्क स्कोर के बारे में, तो एंटीटू बेंचमार्क स्कोर मैंने टेस्ट किया था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2,19,000 आपको मिल जाता है जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। और गाइस इस अपडेट का फुल रिव्यू जल्दी आ जाएगा, उसमें मैं आपको बैटरी ड्रेन टेस्ट, चार्जिंग टेस्ट, कैमरा रिव्यू, पबजी भी यहाँ पर हम टेस्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल पर स्टे ट्यून्ड रहिए, चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड बताऊंगा कि उसमें यहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस, फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड लास्ट अपडेट के मुकाबले इस अपडेट की जो परफॉर्मेंस है डिवाइस की वो यहाँ पर कैसी है। और गाइस बताया गया इस अपडेट के साथ कुछ बग्स को फिक्स किया गया है, तो चलते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट में, इस अपडेट के चेंज लॉग के बारे में बात करते हैं। फीचर्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिक्स सम नोन इश्यूज़, तो यहाँ पर जो म्यूज़िक के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स थी लास्ट अपडेट की बताया गया उन्हें फिक्स कर दिया गया है। फिक्स द इशू डेट द प्रॉम्प्ट टोन अपीयर्स एवरी टाइम व्हेन द क्लाइंट प्ले म्यूज़िक। तो गाइस जैसे आप म्यूज़िक एप्लीकेशन में कोई भी म्यूज़िक यहाँ पर चलाते हैं, कोई गाना आप चलाते हैं, तो वहाँ पर एकदम से एक टोन सुनाई देती है बीच बीच में, तो ये यहाँ पर इरिटेटिंग वाला इशू था, तो फाइनली इसे फिक्स कर दिया गया है। और दोस्तों कुछ यूज़र्स ने और Realme 3 Pro में इस अपडेट को इंस्टॉल किया है, तो उनका कहना है कि इस अपडेट के साथ जो बैटरी परफॉर्मेंस है लास्ट अपडेट के मुकाबले थोड़ी सी इंप्रूव्ड मिली है। बाकी गाइस आप यहां पर मेरे फुल रिव्यू का वेट कीजिए, मैं बैटरी ड्रेन टेस्ट करूंगा, उसमें मैं आपको क्लियर बताऊँगा कि डिवाइस में हीटिंग इशूज़ है या फिर नहीं, एंड यहाँ पर बैटरी कितनी ड्रेन होती है, कितने टाइम में ड्रेन होती है, साथ में हम पबजी रिव्यू भी करने वाले हैं, तो उसके लिए आप ज़रूर से वेट कर लेना। एंड गाइस एक और बग था कि यहाँ पर आप अगर अलार्म सेट करते हैं एंड बैकग्राउंड से जो क्लॉक है, जैसे अलार्म आपने सेट कर दिया, बैकग्राउंड से आपने एक क्लॉक यहां पर रिमूव कर दी, तो अलार्म भी आपका यहां पर ऑफ हो जाता था। तो गाइस ये इशू भी कुछ यूजर्स को यहां पर मिल रहा था, तो फाइनली इसे भी डिवाइस में फिक्स कर दिया गया है। एंड गाइस लास्ट अपडेट का जो कैमरा का इशू था, कैमरा यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट लेते हुए कभी कभार बीच में हैंग हो जाता था, तो गाइस फाइनली इसे भी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। तो दोस्तों इस अपडेट में ये कुछ चेंजेस आपको मिल जाते हैं, बाकी इस अपडेट का फुल रिव्यू, कैमरा परफॉर्मेंस, बैटरी ड्रेन, चार्जिंग टेस्ट सब कुछ यहाँ पर जल्दी आने वाला है, वो वीडियोस आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड गाइस स्काई एक्सचेंज की जो लिंक्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता हूँ, तो एक बार जरूर से विजिट कर लेना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।